केवल और केवल अपना जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रखा है और अपने परिवार के बाहर दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समाज के लिए समर्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक टिप्पणी की और उसमें बताया कि बिहार में अगर कोई समाजवादी नेता हैं तो नीतीश कुमार है, साथ ही साथ देश में भी उनकी गिनती होती है। ऐसे में भाजपा के तरफ से खासकर संजय जायसवाल लगातार हमलावर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। अब एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए हैं संजय जायसवाल और साफ शब्दों में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन बयानों को लेकर जो प्रधानमंत्री ने दिया है उनका समर्थन किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं। अपेक्षा में कि बिहार में लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह के साथ ही साथ संजय जायसवाल ने और क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद अब यू टर्न ले लिया है। इसके पहले वो लगातार हमलावर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा रहा हो या जातीय जनगणना विशेष राज्य का दर्जा, देखिए वीडियो। पूरे देश में माननीय नीतीश कुमार जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं उस समय के जिन्होंने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, चाहे वह लालू जी हो या मुलायम सिंह जी हो। इन लोगों ने केवल और केवल अपना जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रखा है और अपने परिवार के बाहर दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समाज के लिए समर्पित है। दिक्कत यह है कि इन लोगों के लिए नज़र में हर चीज़ बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच होती है। बचपन से आप सब विद्यार्थी रहे हैं, हम सब स्कूल में क्या बोलते थे, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? स्कूल का हर बच्चा एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह के से रहे, जिससे किसी प्रकार का ऊंच नीच का एहसास किसी भी स्कूल में धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर के हो या पैसे को लेकर के हो। ये तीनों अंतरों को खत्म करने के लिए ही स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ है और इससे ये तीनों चीज़ें बच्चों से दूर रहती हैं। बच्चे एक अच्छे मानसिकता से पढ़ाई करते हैं और इसलिए इस पर विवाद करना या करवाना दोनों सरासर गलत है। जब भी आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले ही ये पता लग जाता है कि इसमें फीस क्या होगी, इसमें ड्रेस कोड क्या होगा, इसमें स्पोर्ट्स के लिए क्या रहेंगे, इसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था रहेगी। और यूनिफॉर्म यह शब्द ही अपने आप में बताता है कि हर व्यक्ति को एक तरह से ही रहना चाहिए और एक तरह से ही दिखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।